अस्सलाम वालेकुम। साड़ू भेड़ों में पाया जाने वाला एक नुकसानदायक मर्ज है जो न सिर्फ भेड़ों की सेहत को मुतासिर करता है बल्कि दूध की पैदावार का कम हो जाना, भेड़ों के बच्चों में शराय मवाद का बढ़ जाना और इनकी नशोनुमा रुक जाना भी इसके नुकसान में शामिल है। दूध में जरासीमों के खारिज होने और दूध के अज्जा में तब्दीलियों की वजह से दूध इंसानी इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहता। इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर मोहम्मद इश्तियाक ने किया। उन्होंने मजीद बताया कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2020 और 21 के मुताबिक पाकिस्तान में भेड़ों की कुल तादाद 31.6 मिलियन है, जिनसे सालाना 41,000 टन हासिल होने वाला दूध इंसानी सेहत के इस्तेमाल में आता है। भेड़ों के दूध की बढ़ती हुई मांग की वजह से इसमें मौजूद इजाफी फैट है जो कि मक्खन और मुख्तलिफ बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है। डॉक्टर मोहम्मद इश्तियाक एमफिल माइक्रोबायोलॉजी के तालिब इल्म है। अंडा, चूजा, ब्रायलर फ्लॉक, लेयर और मिस्री गोल्डन के साथ साथ मकई और सोयाबीन की मार्केट की सूरत हाल जाननी है तो अभी करें डाउनलोड पोल्ट्री बाबा ऐप। और उन्होंने भेड़ों में पोशीदा साड़ू के मर्ज पर तहकीकी काम कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज जंग से मुकम्मल किया। इस तहकीक के लिए जिला लैया में मौजूद थली भेड़ों के मुख्तलिफ रेवड़ों से दूध के सैंपल लिए गए। डॉक्टर मोहम्मद इश्तियाक का कहना था कि थली भेड़ गर्म इलाके की एक सख्त जांच नस्ल है, शदीद गर्मी के मौसम में भी इसकी पैदावार मुतासिर नहीं होती। थली भेड़ का दूध बाकी भेड़ों की नस्लों से ज्यादा होता है जिसकी वजह से इसके बच्चों की नशोनुमा भी अच्छी होती है। डॉक्टर मोहम्मद इश्तियाक ने बताया कि भेड़ों में साड़ू दो तरह का पाया जाता है, एक पोशीदा साड़ू और दूसरा ज़ाहरी साड़ू। ज़ाहरी साड़ू का तनासब भेड़ों में कम होता है जबकि पोशीदा साड़ू का तनासब भेड़ों में ज्यादा होता है जो कि मौजूदा रिसर्च में 45% पाया गया है। पोशीदा साड़ू के नुकसान बहुत ज्यादा है क्योंकि इस मर्ज का फार्मर को ज़ाहरी पता नहीं चलता। डॉक्टर मोहम्मद इश्तियाक का कहना था कि पैरासाइट्स की सूरत में दूध में मौजूद एंजाइम्स का तनासब बढ़ जाता है। इस हवाले से मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स भी मौजूद हैं। इसी पहलू को भेड़ों में देखने के लिए वेटरनरी कॉलेज जंग में तहकीक की गई। तहकीक से ये बात सामने आई कि थली भेड़ों में भी साड़ू की इंतहाई पहली स्टेज पर दूध में एंजाइम्स का तनासब बढ़ जाता है। पोल्ट्री बाबा, बेचो आसानी से। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारी वेबसाइट www.poultrybaba.com पर जाकर पोल्ट्री बाबा फैमिली का हिस्सा बनें। पोल्ट्री बोले तो पोल्ट्री बाबा।